जिला सोलन और शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के चकौता धारकों ने लघु किसान एकता मंच के बैनर तले बुधवार को विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। चकौता धारकों ने कहा कि सरकार उनकी जमीनों का उन्हें मालिकाना हक प्रदान करे। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी जायज मांग को पूरा न कर उन्हें गुमराह कर रही है। जिला सोलन और शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के चकौता धारकों ने मालिकाना हक संबंधी लंबित मांगों को लेकर बुधवार को विधानसभा का घेराव किया और सरकार से बीते कई वर्षों से लंबित मांग को पूरा करने की मांग की। अपनी मांगों को लेकर किसानों ने लघु किसान एकता मंच के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं लघु किसान एकता के जिला अध्यक्ष गांधी प्रकाश ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर चकौता धारक किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के किसान अपनी जायज हक के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकारें उनकी मांग पर गंभीरता से कोई प्रयास नहीं कर रही। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी जायज मांग नहीं मानी गई तो सचिवालय के घेराव सहित प्रदेश भर के चकौता धारक किसान उग्र आंदोलन करेंगे। और ये जो आज का हमारा धरना प्रदर्शन था, ये इसलिए किया गया क्योंकि हमारी बरसों से चली आ रही मांगे जो है अभी तक सरकार ने पूरी नहीं की। जो मांग पिछली सरकार ने तोड़ मरोड़ के हमें की थी, उसमें हम लोगों को जिला के जितने भी चकौतादार के उनके अंदर रोष है क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरह से तोड़ मरोड़ के दी गई थी। इसलिए हम लोग जो है, जैसा कि 20 बीघे का अपने मलकीत का होना और जैसा कि 50 पैसे एक बीघा का लेना और उसके ऊपर 1000 रुपया लगाना, जैसे कि आप हमारे किसी के पास 17 बीघे जमीन है और मलकियत और उसमें हमारी चकौता भूमि मिला के 3 बीघा, उसका 20 बीघे का मालकाना हक देना और जिसमें कि मतलब जिन लोगों के पास अपनी मलकियत है वो इसके पात्र नहीं हो सकते। इस विरोध में जो है हम लोगों ने ये आज जो है पिछले 20 तारीख को इसी अगस्त में हमने सोलन में रैली की थी और रोष रैली की थी। जब वहाँ से बात नहीं बनी तो हमने वो क्या बोलते 24 तारीख को मैं शिमला विधानसभा आया और मेरे साथ पूरी यूनिट थी, तो हमने सबसे पहले इनको क्या बोलते पंचायती राज्य मंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपा। हम चाहते हैं जो जमीन हमारी, एक ही बात है सरकार से, कोई 100 मांगे नहीं है हमारी। हमारी मांग है जो ग्राम पंचायत द्वारा दी गई भूमि जितनी दी गई और जब से दी गई है उसके पूर्ण रूप से मालिक बनाए, चाहे किसी को। हम कोई नई जमीन नहीं मांग रहे हैं और बिना शर्त हमें जमीन दी गई है पंचायत द्वारा और बिना शर्त ही हमें जमीन दी जाएगी। अगर आपकी मांग सरकार नहीं मांगती तो अगला कदम जो, अगर हमारी मांग को नहीं सरकार मानती है तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और हम सचिवालय का जो है सचिवालय में जाके अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और उसमें और ज्यादा अभी हम शांतिपूर्वक से, क्योंकि हम लोग जो है गरीब लोग हैं, हम इसे हम ये चाहते हैं कि हमें सही तरीके से मालकाना हक मिले, जितनी भूमि दे रखी उसको उतना ही मालिक बनाया जाए। हम कोई भी नई जमीन की हमारी कोई डिमांड नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर हमें कल को ऐसी बात होती है तो हमारे पूरे जिला सोलन के ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश के चकौतादार इस कार्य को करने को बिल्कुल तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।